ब्लॉग तो सॉरी कि हम दो दिन से ब्लॉग नहीं बना सके क्योंकि मैं अलिश्वा के घर आई हुई थी, तो इधर हम किसी मसरूफियत की वजह से नहीं ब्लॉग बना सके। और जो है क्या बोलते हैं, इसलिए मैंने कहा आज मैं बाज़ार जा रही हूँ, अपनी फ्रेंड का मतलब कुछ सामान घर का लेना था और ना अलिश्वा ने भी कुछ चीज़ें लेनी थी, तो हमने कहा चलो फिर ब्लॉग भी हो जाएगा थोड़ा बाहर का। तो मैंने कहा घर की कोई चीज़ें वो भी ले लेते हैं और फिर अब चलते हैं रेशम गली जहाँ से हम लेंगे चीज़ें, क्योंकि वही लोकल बाज़ार है, क्योंकि घर की तो चीज़ें हम उधर से ही लेते हैं। हाँ, अपने जो ड्रेसेस हो गई ये सब चीज़ें जो होती आती हैं, ज्वेलरी और जो भी स्लीपर्स होते हैं ये हम यहाँ से नहीं लेते, लेकिन घर की कुछ चीज़ें होती हैं जो वो हम इधर से ही लेते हैं। सो गाइज अभी हम जाने वाले हैं, ठीक है, तो अभी हम आपको रेशम गली में मिलेंगे, ठीक है ना। रेशम गली एशिया का कहते हैं बहुत बड़ा बाजार है, और अलिश्वा चुंडियाँ मार रही है, अलिश्वा चुंडी नहीं मारो, ठीक है ना, तो उधर ही मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every अभी थके आ रहे हैं हम बाज़ार से, आ चुके हैं। अच्छा, इस 50 रुपये को इग्नोर करो, तो सामान कम और खाने की चीज़ें ज़्यादा लाएं। तो अभी जो हम सामान लाए ना उसमें से ना घर का कुछ लाना था, जैसे आइस क्यूब्स हो गए और ये मतलब इसमें ग्लास और ये सब कप वप लगा सके वो ले आए, और अलिश्मा ने अपने लिए ये कुछ ग्लास लिया था और घर के लिए हेयर ब्रश भी लिया था, पता नहीं वो कहाँ चला गया। हाँ, ये रहा, ये घर के लिए इसने हेयर ब्रश दिया था। और फिर हमने बोला कि पैसे बच गए हैं तो फ्राइज़ भी ले लेते हैं, भूख लगी थी। अलिश्मा ने तो अपने लिए बिरयानी भी ली है, ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक, और ये फ्राइज़ मेरे हैं, चिप्स मेरी है, यम्स मेरी है, और ये फ्राइज़ भी अलिश्मा के हैं। तो इससे पता चलता है कि अलिश्मा ज़्यादा खाती है, मैं कम खाती हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ तक ही ब्लॉग है, आगे देखते हैं। अभी मुझे घर भी जाना है अपने, मैं दो दिन से अलिश्मा के घर रुकी हुई थी, और अभी मुझे अब घर जाना है, तो मैं अपने भाई का वेट कर रही हूँ, उसके बाद जो है हम घर से कंटिन्यू। अभी पहले तो इग्नोर करें किचन को, क्योंकि किचन बहुत गंदा हो रहा है, और मैं अभी घर आई हूँ अपनी दोस्त के घर से। तो अब ये जो टोकरी है ये हटा के हमने ये वाली सेट करनी है, ठीक है ना, क्योंकि जगह कम घेरे से ही। तो अभी हम पहले ये सेट करते हैं, फिर आपको दिखाएँगे। गाइज़ हमने वो हटा के, ठीक है, जो प्लेट्स थी वो कैबिनेट्स में सही कर दिए, और जो हमारे ग्लासेस है अभी कुछ बर्तन धुले नहीं हैं, अभी मेड आके धोएगी तो वो रख देंगे। पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था कैसे सेट करूँ, बट सेट कर दिया। तो आप यहाँ का हाल देख सकते हैं, और अभी ये देखे गाइस कुछ खाने की चीज़ लाई थी, और ऐसी चीज़ें मैं अपनी भी लाई थी, तो मैंने कहा वो भी अपनी जगह पे सेट कर लूँ, ठीक है, सीधा तो पहले वो सेट कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ ही रख लेते हैं। मैं अपना ब्रश भी ले आई थी जो हम यहाँ सेट कर रहे हैं, आई होप मेरी ये चीज़ें कोई ना खाए, क्योंकि यहाँ ना देसी जगह पे ये चीज़ें बचना बड़ा मुश्किल होती है, ठीक है, जो भी हम बचाने की कोशिश तो करेंगे, ठीक है। ये कहाँ लग गया गाइस, अभी हम खाना खा रहे हैं, तो अभी जो है मछली बनी है, तो मछली खा रहे हैं और साथ इमली की चटनी, ठीक है। तो अभी खाने के बाद मिलते हैं, रात का खाना है, ठीक है। वैसे तो चावल और हलीम बने थे बट वो बचे नहीं, तो फिर हमने मछली खा लेते हैं, हमने कहा कोई बात नहीं, गुजारा कर लेते हैं। गाइस आज का व्लॉग इतना ही था, ठीक है, और सॉरी दो दिन के लिए हम नहीं थे, तो प्लीज़ आप लोग अनसब्सक्राइब नहीं करिएगा, और प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।